गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वंस अगेन आप लोगों के सामने नई खबर लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ा सेटबैक है रियान टीम के लिए। रियान टीम को 14 दिन और कस्टडी में रहना होगा अक्टूबर 6 तक के लिए। इनकी कस्टडी बढ़ गई है, बहुत बड़ा सेटबैक है टीम रिया के लिए। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी एजेंसीज़ काम कर रही हैं और लोगों को जिस तरह से बार बार लग रहा है कि क्या हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट डिले हो रही है, जहाँ तक एजेंसीज़ का सवाल है, ये हमारी इंडिया की बेस्ट एजेंसी CBI इसको देख रही है NCB और ED के साथ। तो जो भी आउटपुट निकल कर आएगा वो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इस केस पर पूरी दुनिया की नज़र है। तो हर चीज़ की बारीकियों को देखते हुए चीज़ों को प्रेजेंट किया जाएगा। और एक्सटेंशन ऑफ रिया टीम इसलिए भी है और इसलिए भी हो सकता है, सोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब से इनसे रिवील करवानी है सारी एजेंसियों को, एंड दैट इज़ द रीज़न कि दे हैव टेकिंग मच मोर टाइम, और इसलिए 14 दिन का रिमांड जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है। फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा जिसमें Day 1 से लेकर आज तक के जितने भी आउटपुट्स आए हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम Day 13 और इनफैक्ट Day 6-7 से उसको मैं शुरू करूँगा दिशा सालिया के केस से, और स्टीव पिंटो के जितने भी कोडेड मैसेजेस हैं कोशिश करूँगा कि उनमें से कुछ कुछ चीज़ों को आप लोगों को समझा पाऊँ, हालांकि मैं तो बहुत कुछ समझ गया हूँ। तो उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर आप लोगों को बताऊँगा कि सिचुएशंस जो जो स्टीव पिंटो द्वारा बताई गई उसमें कितनी सच्चाइयाँ प्रूफ के साथ हम लोगों के सामने आईं।